कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक सिल्क स्मिता की 23 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी है। 36 साल की उम्र में सिल्क की 1996 में रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। उनकी लाश घर में पंखे से झूलती पाई गई थी। इस तरह 17 सालों तक साउथ इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस एक पहेली बनकर दुनिया से चली गई। सिल्क साउथ की फिल्मों की बेहद बोल्ड एक्ट्रेस थी। बता दें, सिल्क स्मिता की कंट्रोवर्शियल लाइफ पर 2011 में द डर्टी पिक्चर बनाई गई, जिसमें विद्या बालन ने लीड रोल प्ले किया। बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखती थी सिल्क। सिल्क का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एल्लुरु में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका असली नाम विजयलक्ष्मी वडलापति था। सिल्क का परिवार बेहद गरीब था, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और बचपन घर के चूल्हे चौके में ही बीता। सिल्क को बचपन से ही फिल्में बहुत पसंद थी। वह हमेशा से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखती थी। बड़े होते ही उनके हाथ पीले कर दिए गए, मगर जबरदस्ती की गई शादी से सिल्क खुश नहीं थी। वहीं ससुराल वालों ने भी उनका जीना मुश्किल कर रखा था। ऐसे में एक दिन सिल्क सब छोड़कर बिना किसी को बताए चेन्नई भाग गई। वहां अपनी एक आंटी के साथ रहने लगी। यहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने हाथ आजमाने की कोशिश की। सिल्क ने एक मेकअप गर्ल के तौर पर शुरुआत की। वह शूटिंग के दौरान हीरोइन के चेहरे पर टचअप का काम किया करती थी।